हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो यूनिवर्सल बायस प्रोग्रामर है इसको खोल के दिखाऊंगा आपको कि इसके अंदर बेसिकली क्या है और कैसे काम करते हैं। गाइस, ये यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है कि कोई यूट्यूबर आपको एकदम बायस प्रोग्रामर को खोल के आपको दिखा रहा है। तो मैं बहुत ही ढूंढा हूँ कि इसके बारे में कोई वीडियो है कि नहीं, तो मैंने देखा कोई भी एक भी वीडियो नहीं है यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा कि एक मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि सभी लोगों को पता चले कि इसके अंदर बेसिकली क्या है और कैसे काम करता है। सो गाइस, इसको खोलने से पहले आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया वो लाल बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे। सो गाइस, इसको खोलने के लिए मैंने एक ले लिया स्क्रू ड्राइवर जो कि ये MM का है। तो मैं आपको जो पीछे की तरह दो स्क्रू आपको दिख रहा होगा, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दोनों स्क्रू को खोल लेना है। तो जल्दी से मैं दोनों स्क्रू को इस तरह से खोल लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर बेसिकली चीज़ क्या है और कैसे बनाया है। क्योंकि गाइस, ये चाइना में मतलब ये असेंबल हुआ है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा चीज़ आप तो आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर। फिर भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है फाइनली। सो मैंने दोनों स्क्रूज को खोल लिया हूँ गाइस। उसके बाद और कोई स्क्रू है कि नहीं मैं देख लेता हूँ। तो मैं अच्छे से इसको स्क्रूज को मैंने निकाल लेता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो कोई। सो गाइस, इसको मैंने जो स्क्रू दोनों स्क्रू को मैंने खोल लिया हूँ। उसके बाद हम धीरे धीरे इसको हम निकाल लेंगे, तो और देख लेंगे कि कोई कुछ है कि नहीं। तो गाइस, इसके बाद हम इसको आसानी से ऐसे करके खोल लेते हैं। सो गाइस, बहुत कोशिश करने के बाद ये खुला नहीं, तो मैंने क्या किया, एक मेरे पास वो ओपनर था वो ओपनर ले लिया हूँ मैं गाइस। उसके बाद हम आसानी से ताकि इसको खोल सके इसके लिए मैंने ओपनर ले लिया हूँ। सो बहुत ही गाइस, इस तरह की चीज़ को बहुत ही ध्यान से खोलना पड़ता है ताकि ये कोई टूट भी ना जाए। तो देख सकते हो कितना आसानी से ये खुल गया है। सो इस ओपनर को लेके, तो आप चाहते हो इस ओपनर आप ले सकते हो, आपको 30 रुपया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से मिल जाएगा। सो गाइस, आप देख सकते हो कि ये अब खुल चुका है। तो आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ है। तो गाइस, आप देख सकते हो ये जो साइज़ में बटन था, ये एक बेसिकली मतलब एक स्विच है जो कि मेरे को पहले पता नहीं था, इसको खोलने के बाद ही मुझे पता चला है। सो गाइस, अब देख सकते हो इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको बताया था कि ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सो सच में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है खास, सिर्फ यहाँ पे दो एकदम क्रिस्टल दिया गया है, ऑसिलेशन क्रिस्टल जो कि फ्रीक्वेंसी जनरेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे एक LED बल्ब है जो कि SMD LED बल्ब, जो LED होता है SMD वो दिया गया है। और यहाँ पे गाइस, एक देख सकते हो कि LM7117 का वोल्टेज रेगुलेटर भी है। आपको नज़दीकी से दिखा देता हूँ कि ताकि आपको भी पता चले। आप देख सकते हो कोई ख़ास बात नहीं है इसके कुछ। तो अब आपको पीछे की तरफ दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर दिया गया है और एक यहाँ पे छोटा सा चिप दिया गया है। सो इस चिप के बारे में आप और भी जानकारी लेना चाहते हो तो नेट पे जाके इसका डेटा सीट आप निकल सकते हो। और यहाँ पे LED है एक, और एक छोटा सा इसमें IC भी है। सो गाइस, ये कैसे काम कर सकता है और ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है तो इसको कैसे चेक करते हैं, तो सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो गाइस। तो यही है गाइस, एक बायस प्रोग्राम ग्रामर इसके अंदर, जैसे कि आपको पहले बोल दिया था इसके अब अंदर कुछ खास नहीं मिलने वाला है आपको, तो वैसे ही कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक माइक्रो कंट्रोलर है और एक चिप है और कुछ छोटे छोटे ट्रांजिस्टर और रजिस्टर है। सो यही है गाइस, और दो ऑसिलेशन क्रिस्टल दिया गया है फ्रीक्वेंसी जनरेट के लिए। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।